नमस्कार। तो कल का व्लॉग हमने मंदिर से ही एंड करा था, मंदिर से ही हम शुरू कर रहे हैं, बट कल रात थी, अभी सुबह हो चुकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा गांव एक्सप्लोर करने, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्वती माता की तपस्थली के दर्शन करने, और वहीं पर एक शिव गुफा है वो भी देखने जाएंगे, और हमें मिला एक क्यूटू सा बच्चा, फिर हम जाते हैं आगे। ये वही साइट है जो रात में मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, ये अभी रिसेंट इसकी खुदाई हुई थी और ये सारी चीजें उसमें निकली थी। मतलब ऐसी तो सिंपल जैसे ही खेत नहीं है, हाँ हाँ हाँ। ऐसी तो हम ना हाँ। तो हम लोग खेला करते थे उस टाइम यहाँ पे, अब जब से खुदाई हुई है थोड़ा जी पहले इसके अंदर भी जाते थे। जैसे कहा गया है पांडवों ने यहाँ पर लाखों शिवलिंग की स्थापना करी थी, और ये रहा उस चीज का प्रमाण। ये साइट पूरी ऐसे की ऐसे ही मिली है, ऐसे ही खंड बने हुए हैं, ऐसे ही सारे शिवलिंग यहाँ पर मिले हैं। उस युग से इस युग तक आने में बहुत सारी विपदाएं आई हैं, आपदाएं आई हैं, तो उसके कारण कुछ चीजें टूट गई हैं, सब कुछ हो गया, स्टिल ये चीजें प्रिजर्व्ड है यहाँ पर। ये साइट ना मिरेकल से कम नहीं है, यहाँ पर सभी देवी देवताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिवलिंग से लेकर सभी देवी देवता, गणेश जी से लेकर त्रिमूर्तियां, त्रिदेवियां, हर एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ताई के टाइम यहाँ पर अनेकों मूर्तियां मिलती हैं, सभी देव परिवारों की मूर्तियां मिलती हैं। अगर आप ध्यान से जूम करके हर एक चीज को देखेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी इसमें। अच्छा, अगर हम इसे भी खोदेंगे ना तो इसके नीचे भी निकलेगी, जहाँ वहाँ भी चलते हैं। वाओ, कहाँ जा रहे हो बताओ? मुझे पता भूख लग रही, बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे उधर। ये कहा दीदी सुबह है, कहा सुबह देखो बर्फ, हिमालय के दर्शन हो रहे हमें यहीं से, बहुत ही मस्त। वो तो नहीं, वो गुफा ना, एक ये भी है एक पीछे भी है, वो इतने ऊपर है। हाँ, ऊपर सबसे ऊपर जा रहा है ना व्हाइट वाला, हाँ, खंबे, वो चोटी है टॉप। वो गुफा वहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं काली माता के मंदिर। यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये व्यू, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे देख सकते हो। ये पारुल दीदी और ये मैं हूँ, चलते हैं आगे के लिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं हमें। बच्चे के उनके स्कूल है, गांव के स्कूल, ये वो बच्चे स्कूल के, ये उबड़ खाबड़ रास्ते, खेत, कुछ कुछ ही दूरों में हमारा जो लक्ष्य पूरा, गांव का नाम है सेरा, यहाँ के एक निवासी। और वहाँ के घर, ये लंबा रास्ता, ये देखो ये दो ये पारुल दीदी, स्वाति दीदी, इसमें मैं भी हूँ एक, हम तीन सदस्य इधर लकड़ी ला रहे हैं, छोटे बच्चे ऐसे गाड़ियाँ हैं, मनुखियाँ हैं। ओ माय गॉड, इतने छोटे बच्चे देख सकते हैं आप, ये अपनी बात में खो रखे हैं, और ये मैं हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ जो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा बाप है, हमने बच्चे से उठा रखा, नहीं उठा सकता।
छोड़ो हमें क्या। तो चलते चलते पहुंच गए हम अपने माता के मंदिर, पहुंचने वाले हैं, बस एक आधा मिनट लग जाएगा हमें जाने में। वो देखो बहुत लंबा रास्ता, यहाँ देखो इस पेड़ का यहाँ पूरा नंगा, शर्म नहीं आ रही इस वाले को भी। तो ये पहुंच गए हम, पढ़ लेना क्या लिखा है ये पूरा, जय काली माता की। ये इसे बोलते हैं हम छान, जिसमें बकरी और घोड़े, बैल, भैंस, गाय जो भी रहते हैं। ये देखिए तो वहाँ भी है, देख सकते हैं वो, ये रोड है, एक ऊपर टॉप पे भी है कहीं पे। ये बहुत दूर चली गए, ये मैं हूँ बार बार मैं अपने को दिखा रही हूँ इन्हें। तो ये देखो ये रहा वो मंदिर, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो बस पहुँचने वाले हैं, इन्हें कुछ खुराफाती लेकर जाते हैं मिट्टी ना, ये लाल मिट्टी है। हाँ, ये लाल मिट्टी है, ऐसे रेड रेड दिख रही है, सिर्फ यहीं पे मिलती है। हाँ रेड, इसका क्या काम होता है वैसे, खाते हैं ना? खाते तो नहीं है, पर वो है ना जैसे लग वो पुताई पुताई के लिए ना। हाँ लीपने के लिए यूज होता है ये। हाँ बहुत अच्छा लगता है इससे भी। कोई यहाँ पे वैसे गीली है, हमारे वहाँ पे ना सूखी सूखी मिलती है ना, हम लोग यही लेकर जाते हैं हाथ में भी लगती है, फिर भिगाते हैं इसको। एक मिनट में पहुँच जाएंगे हम पार, हमारे साइड में ही सूखी मिलती है। तो ये रे पहाड़, ये रे पीछे का रास्ता जहाँ से हम आए थे, वो दिखा जाएगा आपको लास्ट में, दिखा जाएगा। नाइस। तो ये सब ना, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है आप लोगों, ये मतलब अभी न्यू बनी है, वरना तो जैसे ये है ना पत्थर, तो वैसे चल के जाना पड़ता था। और इधर पानी, इधर आप मिनरल वाटर पी सकते हैं। तो आपको मिलते हैं सीधा मंदिर पे, बाय। ये बहुत ही पुराना काली माता का मंदिर है गांव का, और यहाँ पर पहले बलि प्रथा होती थी, लेकिन वो चीज़ बहुत पहले ही बंद हो गई। इस साइड पर भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ निकलती रहती हैं। मैंने इस मंदिर में एक गणेश जी की मूर्ति देखी, जिसपे गणेश जी का एक त्रिनेत्र है, और उन्होंने जनेऊ के रूप में सर्प को धारण करा हुआ है, जो कि मैंने आज तक कहीं नहीं देखा किसी भी मंदिर में। मैं इतने मंदिर में विजिट करा है, गणेश जी की इतनी सारी मूर्तियाँ देखी, बट ऐसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। अभी आपको अंदर में दिखाती हूँ। ले जा लो, मैंने मूवी नहीं देख रखा। तो क्या हो गया, भगवान जी तो पता है ना। तो ये देखो पत्थर, ये गणेश जी की मूर्ति भी इतनी डिफरेंट थी ना, और इनका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही लाइवली फील हो रही थी मूर्तियाँ। अगर हम आईज में टच कर रहे हैं तो बिल्कुल आईज का टेक्सचर फील हो रहा था। इस सर्प को भी अगर हम टच कर रहे तो बिल्कुल सांप का टेक्सचर फील हो रहा था। अगर आप रियल और मूर्ति में कंपेयर करोगे ना, तो बिल्कुल आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते हो। वो ये माता जी है, ये उनके त्रिशूल कुछ ऐसे हैं, ये पानी रखा है चुन्नी, ये शायद गणेश जी हैं, ये भी कुछ मूर्तियाँ निकली हैं, और ये भी एक और गणेश जी देख सकते हैं, ये एक शिवलिंग है, और ये कुछ पता नहीं लग रहा है कौन है, पर जो भी है सही है। ये भी है देख सकते हैं, ये भी एक शिवलिंग है। ये मन्नत मांगने की चुन्नियाँ, ये बैल, हाँ मतलब बांध सकते हैं ऐसे भी, पता नहीं शायद पता नहीं कुछ। कितना बड़ा ग्राउंड टाइप का, ये भी निकला खुदाई में, ये भी है एक,
हाँ, और ये मतलब थोड़ी छोटी है, और एक और जो उधर है जिसमें जल चढ़ाते हैं लोग, वो इससे थोड़ा बड़ी है, बड़ी है मतलब, पर सेम वैसी है। यहाँ पे पानी टपक रहा है, बाद ये भी एक शिवलिंग है, ये इतना बड़ा पेड़ है। यहाँ पे और यहाँ पे भी दिखा दिया मैंने अभी तक, ये एक और शिवलिंग है सेम उसकी तरह, बीच में लाइन है इनके। ये क्या है लाइन, मेरे को लग रहा है सब होंगे, और यहाँ पे आग भी बनी है शिवलिंग, ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा फिर ये शिवलिंग दिखता, ये पहाड़ ये कितने बड़े शिवलिंग है, और वो नहीं है बस इसमें, पर इसमें देख ये कुछ लगे हुए हैं गोल गोल बने हुए हैं, टूट तो सकते हैं शायद, टूट रहे होंगे इनमें, हर शिवलिंग में देख चारों तरफ में छेद बने हुए हैं, ये भी कुछ चीज होगी देख चारों का, ये एक दो तीन, तीन। और इसमें एक दो देखो त्रेता युग, हाँ। और फिर कौन सा युग था, द्वापर युग, और फिर कलयुग, कलयुग में कौन कौन से थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, द्वापर युग और कलयुग, चार चार होते हैं, कलयुग अब आएगा तो ये पहले के, कलयुग में हम तो, हाँ हम कलयुग में, ये ऐसे हो सकते हैं ना, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग, हाँ। तीन तो उस टाइम कलयुग था नहीं ना, हाँ हाँ अब आने वाला है, तो फिर मैं भी अब देख इसमें है, इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है, सारे शिवलिंग में कुछ लाइंस दिखते हैं अलग अलग टाइप से, किसी में अष्टदल है, किसी में कुछ छेद बने हुए हैं उनके बेस में, यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं सारे ही अपने आप में बहुत ही डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, जो मैंने और जगह देखे उन सबसे बहुत डिफरेंट है, तो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, अभी तक मुझे कोई आंसर मिला नहीं है, स्टिल अगर मिलेगा तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, और इनके आप लोगों को कुछ पता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी हम लोग पार्वती माता की तपस्थली के दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही प्राचीन है, तो लाल मिट्टी दिखाई दे उसका रिजल्ट है, ये लाल मिट्टी का घर, तो हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा शॉर्टकट, पहले थकी रुको, ये शॉर्टकट इसलिए मारे कि इस रोड से बहुत थकने हैं, इसीलिए तो मेरी हालत देख तो थकने लायक, इसीलिए मैं भी शॉर्टकट मारूंगी, मुझे अकेले तो कोई भी जा सकता, इसीलिए आपको मिलते हैं सीधा गुफा, बाय। हम पहुँचने वाले गुफा, मैंने आपको बताया था हम जब गुफा पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे, ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते पहाड़ों में, तो मैंने लट्ठा ले रखा अपने हाथों में, ये ऊपर जा रहे हैं देख सकते हैं आप, हम गुफा के एंट्रेंस में हैं, आप यहाँ के पत्थरों पे ध्यान देना, और इसके पीछे भी एक साइंस है जो कि अभी हमें पंडित जी बताएंगे, यहाँ जाएंगे हम भंडारा खाने, जहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है ना आपको वहाँ पे, ये गुफा पहुँच चुके हैं, किस्मत खोली, वरना एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी, फिर तब लेट पहुंचते, पहुंच चुके हम गुफा, यहाँ सुनसान, ऊपर देखो काला काला, इस लट्ठे को हम यही लेते फिर बाद में लेंगे, बाय शिवान, ये देखो ये माता रानी मंदिर, अरे सही से ढल रहा है ये बड़ा पत्थर, देख रहा हूँ यहाँ से शुरू है,
इधर अंदर जाना। प्यास लगी नव्य को व्लॉगिंग करते हुए। ये पार्वती गुफा लाखा मंडल में ही स्थित है, पर वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस में है, तो जैसे हम अभी चल के आए हैं वैसे ही आना पड़ता है, या फिर आप रोड से आ सकते हैं गाड़ी से। यहीं पर माता पार्वती ने तप करा था। ये पहले यमुना का तट था, सामने दिख रही है यमुना जी। ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन है, इन्हें पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर कई संतों और तपस्वियों ने ध्यान किया है, और इसे एक महत्वपूर्ण ध्यान स्थल के रूप में भी लोग जानते हैं। यहाँ पर शनिदेव जी विराजित हैं। आगे हम चल रहे हैं गुफा के अंदर, वहाँ पर पार्वती माता का गर्भगृह है। जब आप लोग इस जगह पर आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये ही प्लेस क्यों चूज करा गया है ध्यान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। आप लोग गुफा के इन पत्थरों पर शेप पे ध्यान देना। नीचे आना दीदी, सच्ची आ जा। लग रही है पैर में शिवलिंग, वहाँ देखो, वो देखो शिवलिंग, पता नहीं क्या है पर है कुछ ऐसा, जैसे गाय का सिर नहीं होता, ऐसा लग रहा है हल्का इधर से देखने में। हाँ, आँख और इधर पे भी है। चलो ये कॉफी दे दिया। यमुना तट नदी मंदिर है, तो अब इन दिखा सकते हैं। ये हनुमान जी यहाँ पे स्थापित, जल्दी माने भी बंदा टूट गए ना मंदिर पौड़े भी कान काटी है, मैं बंदा तो मानी रहा तू। अब हम जा रहे हैं द्रौपदी जी का कुआं देखते हैं। इतना तेज बोलते हैं, समझ गए। ये खुशबू आती रहती है पूरी वीडियो में, क्यों खुशबू आती है बता। तो कल रात का घोटा कैसे लगा आपको? हैं घोटा भी नहीं है ये, और घोटा पीना है। तुझे कैसा लगा बता? मैंने तो दो गिलास लिए, तभी तो अच्छा लगा। देखो देखो, एक और गिलास पारे खेलने मैं थोड़ा सा टेस्ट करा। अभी हम एक दूसरी गुफा में आए जो पार्वती माता की गुफा के बगल में ही है, इसे शिव गुफा बोलते हैं। और अभी हम इसके अंदर आके देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एक संत जी रहते हैं, ये उनका ही सामान है। ये गुफा थोड़ा अंदर जाके, बट लाइट लगी तो उतना डर नहीं लग रहा है, नव्या को थोड़ा सा लग रहा था। यहाँ पर ये तीन रास्ते आ रहे हैं और तीन छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। अंदर जाके तो नहीं देखा, बट हाँ काफी लंबा रास्ता दिख रहा था वहां से। चलो मैं होके आती हूँ गाइस, बाय, कल मिलते हैं। पागल है, वापस आ चल। वापस तेरे मम्मी पापा हमें पकड़ेंगे सबसे पहले, मैं यहाँ रुकी हूँ। यहाँ कई सारे क्षेत्र में बहुत सारी गुफाएं हैं, और वो गुफाएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आई होप कभी तो पता चले। अभी हम चल रहे हैं नीचे, क्योंकि अभी हमें जाना है पांडव गुफा, वहाँ पर चल रहा है भंडारा, तो हम सब वहीं जा रहे हैं सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, कुछ शूट नहीं करा क्योंकि बहुत थक चुके थे। आप सोच रहे होंगे हम बार बार मंदिर में क्यों आते हैं, क्योंकि यहीं से ही हमारे सारे रूट जाते हैं, और सामने ही हमारा रूम भी है, और ये यहाँ के ढोल हैं जो पूजा के टाइम बजाए जाते हैं। यहाँ पर हमें सामने हिमालय के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। एक तो मंदिर इतना सुंदर है, उसके जस्ट सामने हमें हिमालय के दर्शन होते हैं। ये साइट अपने आप में ही एक मिरेकल है। सामने शिव जी बैठे हैं, शिव जी को फेस करते हुए सामने हिमालय है। ऐसी साइट जहाँ पर सिर्फ शिव ही शिव है, वो सिर्फ लाखा मंडल में मिल सकता है। काफी धूप है और मेरे पिंपल्स मेरा साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स को लेने भंडारा खाने। ये है एक, ये है धनिया तोड़ रही है अभी हमारे साथ आने। अब इसमें बैग भी होता दिखा, ये दो लोग भी। हाँ यहीं से अब पता चला तुझे इतनी व्लॉगिंग करने के बाद। मैं तो ऐसे घुमा रही थी कैमरा मेरे पास। अच्छा टूट गई थी धनिया। अरे
ये तो हम जा रहे हैं मंडप। और मेरे पैर पे भी चोट लगी है। उबड़ खाबड़ रास्ते। ये कुछ क्यूटीज। हम लोग पहुंच गए। ये है प्राचीन पांडव गुफा। यह गुफा महाभारत काल से और पहले से ही यहाँ पर है। जब कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास के लिए भेजा, तब उन्होंने लाक्षाग्रह का निर्माण करवाया था। और वो लाक्षाग्रह का ऐसा निर्माण कराया गया कि बहुत ही अच्छा और पारिवारिक वातावरण वहाँ पे रखा गया, जिससे वो पांडवों को आकर्षित कर सके। वो स्पेशली उन्होंने पांडवों के लिए बनवाया था कि वो उन्हें वहाँ पर जला सके। और जो पांडवों के भाई विदुर थे, उन्हें इस बात का पता चल गया, जिसमें कृष्ण जी के सजेशन से वहाँ पर उनके बचने का कुछ उपाय बनाते हैं। लाक्षाग्रह के भीतर ये नदी में सुरंग खोदी, जिससे पांडव अनजाने में बाहर निकल सके और अपने जीवन को बचा सके। वहाँ पर हमें क्यूट से गणेश जी दिखे, जो कि गुफा में ऑलरेडी बने हुए हैं। लाक्षाग्रह मेरठ के पास कहीं स्थित है, उसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। और वहाँ से वो पांडव यहाँ पर निकले थे। आप इमेजिन करो कहाँ से कहाँ तक वो डिस्टेंस कवर करके आए हैं। तो यहाँ पर भंडारा ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग अभी दर्शन करते हैं, फिर हम लोग कुछ खाएंगे। यह गुफा काफ़ी बड़ी है। कहा जाता है पांडवों ने और द्रौपदी जी ने यहीं पर अपना अज्ञातवास व्यतीत करा था। यहाँ की गुफा का टेक्सचर भी वैसा ही है जैसा हमें पार्वती माता की गुफा में मिला था। यहाँ पर भी हवन होता है पूरी। ये गुफा के हम दर्शन कर रहे हैं। तब तक मैं गुफा को और ध्यान से देखने लग जाती हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के। इमेजिन यहाँ पर पांडव रहे थे इसी गुफा के अंदर, और जो शांति मिल रही थी इस गुफा के अंदर रहकर। मैं कभी आऊँगी जब यहाँ पर क्राउडेड नहीं होगा। बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है वो टाइम से कनेक्ट कर पाना पांडवों के टाइम से। इस तरीके से गुफा बनी है, आप देख रहे हो अभी भी काली है पूरी गुफा। ये कोई धुएं से नहीं है, ये नेचुरली ही ऐसे है। अभी हम अंदर चल रहे हैं। वहाँ पर वो जगह है जहाँ से पांडव निकले थे, वो गुफा पूरी बनी हुई है। और उसी जगह पर पांडवों को एक प्राचीन शिवलिंग मिला था, और कहा जाता है स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं पर बर्फ़ नहीं गिरती, बहुत पहले गिरती थी बट अभी नहीं। और यहाँ जो शिवलिंग है वो बर्फ़ का बना हुआ है। इमेजिन बर्फ़ के शिवलिंग, उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली पानी का ड्रॉप गिरता रहता है हमेशा। और ये गुफा बहुत लंबी है, काफ़ी अंदर तक हम लोग गए तब मिली हमें ये जगह। यहाँ पर लाइट लगी है कि हम अच्छे से दर्शन कर पाए। मुझे यहीं पर जाकर पता चला कि इस जगह पर भगवान कार्तिकेय जी का भी जन्म हुआ था। और आप ध्यान से देखिए शिवलिंग को, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये जो गुफा है, इस जगह से बोलते हैं पांडव निकले थे, और यहीं पर ये जो शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग, यहीं पर मिले थे उन्हें। अभी ये लोग नीचे चले गए, मैं अभी थोड़ा और जूम करके देखती हूँ ये गुफा कहाँ तक जा रही है। आई होप कुछ हम कैमरे में कैप्चर कर पाए। ये काफ़ी अंदर तक है, मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है थोड़ा वहाँ पे जाने की। यहाँ से हम लोग आए थे और अभी यहाँ पर गुफा है, ये शिव जी हैं। इसमें आप देखो ड्रॉप दिखेगा आपको पानी का गिरता हुआ। और ये शिव जी महाभारत काल से भी पहले से ही यहाँ पर स्थापित है। ये मोमेंट ना बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए, तो मैंने खुद को भी कैप्चर करा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर। यहाँ पर शिवरात्रि आज है, तो आज मंदिर में पूरी रात जगराता होने वाला है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है पूरा मंदिर में। हमारे दर्शन हो गए तो हम लोग प्रसाद खा रहे हैं अभी। इसके बाद हम जाएंगे घर पे, और घर पे हम पहनने वाले हैं आज ट्रेडिशनल ड्रेस। उसके बाद जाएंगे मंदिर, मंदिर में करेंगे जगराता, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना।